लालू जी इंडिया की बैठक में जा रहे हैं सर, बैठक में जा रहे हैं, मिल के लड़ना है। नरेंद्र मोदी कह रहे कि हम फिर से आएंगे। अरे रोज यही बात तुम पूछते हो, नरेंद्र मोदी बोल रहा है। क्या है नरेंद्र मोदी, क्या है नरेंद्र मोदी, क्या है नरेंद्र मोदी, यही आएगा जानते आप क्वेश्चन। फलाना बोल रहा यही हो जाए, फिर आएंगे तो हम लोग बैठ के उसकी बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिल के लड़ेंगे, आइन को हटाएंगे। अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहे। मजाक कर रहे होंगे लालू जी, कितना बार लालू जी हारे हैं उनको गिनती याद है? अभी 5 राज्यों के चुनाव में क्या हालत हुई है इंडी गठबंधन का वो पूरा देश जानता है। और लालू प्रसाद जी बिहार में एक आपराधिक छवि के चेहरे हैं, जिसको जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने प्रूव किया है कि ये अपराधी हैं, चारा चोरी करने वाले लोग हैं। ये क्या बोलेंगे लालू प्रसाद जी? बिहार की राजनीति में एक तरह से कांग्रेस और जनता दल यू ने इनको साफ कर दिया है, एक ने ऑर्डिनेंस फाड़कर इनको जेल में सड़ा दिया। इसलिए लालू जी का कोई राजनीतिक हैसियत यहाँ नहीं है। यहाँ किसी भी हालत में बिहार की 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जीतेगी। देखिए हम लोग तो सोचे थे कि नीतीश बाबू हम लोग को छोड़ के भागे हैं, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाए। हम बिहारी हैं, हमको लगा कि नीतीश बाबू चले जाएंगे तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाए, लेकिन उनका क्या हाल किया है लोगों ने वो तो पूरा देश जान रहा है कि आज नीतीश बाबू क्या क्या बोल रहे हैं। अंड बंड जो उनकी भाषा है वो लगातार बोलते हैं। ये हम लोग समझ चुके हैं कि इंडी गठबंधन के लोगों ने नीतीश जी की हालत क्या कर दी। देखिए जनता देश का तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। इस देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे।